वड्डी खबर खेती कानूनां नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार 19 वाली मीटिंग च किसान दसन ओ कानूनां नूं रद्द दी वजह होर की चाहुंदे ने, उहनां उत्ते वी खुल के चर्चा की जाएगी। अगे तोमर ने कहा कि वह किसानों के हर बिंदु के उपर चर्चा करनगे। इस तो इलावा नरेंद्र तोमर ने कहा कि भारत सरकार वालों बनाए गए ये सारे कानून पूरे देश के किसानों लिए बनाए गए ने। भारत सरकार ने किसान आंदोलन पर किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं नौ बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि जब किसान यूनियन क्लॉज पर बात नहीं कर पा रही थी तो उस समय उनकी चर्चा के दौरान जो बिंदु ध्यान में आए उन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा करके पहचान की और पहचान करके किसान यूनियन को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें हमने कहा कि मंडी के बारे में आपकी शंका है, उसका समाधान किया जाएगा, आपके साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। ट्रेडर के रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करना है तो रजिस्टर्ड करने पर बात की जा सकती है। न्याय विवाद की स्थिति में एसडीएम तक न्यायालय की सीमा हम लोगों ने रखी है तो बातचीत में ये ध्यान में आया कि उनको लगता है एसडीएम न्याय नहीं दे पाएगा तो न्यायालय का रास्ता खुला होना चाहिए तो सरकार ने उस पर भी सहमति बताई। और पराली का विषय हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का विषय हो ये आने वाले कल के विषय थे लेकिन सरकार ने इस पर भी कहा कि हम सकारात्मक रूप से बातचीत भी करेंगे, विचार भी करेंगे और आवश्यक होगा तो इसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन किसान यूनियन टस्से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी ये कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। T5 चैनल पंजाबी पुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।